दोस्तों, हमारा मन हमारा जितना बड़ा दुश्मन है उतना ही बड़ा दोस्त भी, क्योंकि ये मन ही है जो हमारे अंदर संदेह की भावना प्रकट करता है और अपने प्रभाव से वो सब कुछ करवाता है जिससे आगे चलकर इंसान को पछताना भी पड़ सकता है। इसी अस्थिर मन को लेकर सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज बताते हैं कि हमारा मन हमारा अच्छा दोस्त तभी बन सकता है जब वो आंतरिक आवाज की पुकार सुने। लेकिन जैसे ही वो हमारी आंतरिक आवाज को अनदेखा करने लगता है तो उससे बड़ा दुश्मन इस संसार में कोई नहीं हो सकता। मन जो है हरदम डाउट में रखना सिखाता है भाई, पहला ही वाक्य मैंने कहा डाउट में, संदेह खड़ा करता है हर बात पर। तो फिर उसी मन से डिसीजन कैसे ले सकता है और उसी मन से तो मुक्त कैसे हो सकता है जो डाउट में रखता है। इसीलिए उस डिसीजन लेने के लिए गुरु रखता है। मन कभी तुम्हारे को अपना डिसीजन दे नहीं सकता, किसी का मन डिसीजन नहीं सकता है। जब तुम कुछ ही प्रकार डिसीजन लेता है तो वह डाउट खड़ा कर देगा, संदेह खड़ा कर देगा। इसलिए डिसीजन गुरु के हाथ में रखा जाता है। कहा कि इसीलिए कबीर साहब कहे हैं, रोज तो उलपाठ में करता है डगमग छाड़ दे मन बौरा। यह मन का स्वभाव है डगमग करना, और तू उसी डगमग से डिसीजन ले रहा है, डगमग छाड़ दे मन बौरा। यह तो मन बौरा है, पागल है। नहीं, तुम लोग फिर ना मन के बात ही मानेगा, और मन यह बात समझ लो रोज पाठ भी करता है डगमग छाड़ दे मन बौरा, लेकिन डगमग में तो रहता ही ना है। यह डगमग छाड़ करके अपने कर्तव्य पथ पर सुनिश्चित हो जाओ। अवश्य जब तुम लोग नहीं अपने कर्तव्य पर सुदृढ़ होगा तो और को कैसे करेगा। आप लोग चाल चित्त चिंतन के धनी होना चाहिए कि रास्ते में एक भी कोई सदबीप जा रहा है उसको देख करके लोग कहें कि हाँ कोई आदमी है। और अपने माँ बाप का भी उचित सत्कार करना चाहिए। एक माँ बाप पर भी हम कह दे तुम लोगों को कथा, आज कल सुना रहे हैं ज्यादा, हम इसके माध्यम से सुनाते हैं। हम लोग मंदिर में पूजा करते हैं, तुम लोग सब लोगों घर में हम जहाँ जहाँ गए हैं देखे हैं बड़ा मंदिर में देवी देवता का बहुत बाहुल्य, इसलिए बहुत देवी देवताओं को रखने के चलते तुम लोग बहुत बहुत धन्यवाद है ना जी। तो तुम डगमग में आए, देखो किस देवी के फेर में है। तुम्हारे घर में यदि तुम्हारी माँ जिंदा है, दादी जिंदा है, वही नारायणी है, वही लक्ष्मी है, उसकी पूजा कर लो। वो साक्षात नारायणी है, जो तू जन्म लेता है तब से लेकर के अपने हृदय छाती का दूध पिलाने से लेकर, रक्त पिलाने से लेकर, तुम्हारा मल मूत्र साफ करने से लेकर, तुम्हारा सब कुछ इज्जत दाव प्रतिष्ठा सब तुम्हारे लिए लगा दिया है। अब बताओ तुम्हारे लिए हमारे लिए तुम्हारी माँ से कोई नारायणी अब कोई अधिक है। उसको क्यों नहीं श्रृंगार करके बैठाता है, क्यों नहीं सुबह शाम पूजा करता है, क्यों नहीं रात में सोने के बाद पैर दबाता है। जिस दिन तू माँ की सेवा करने लगेगा, अपने दादी का सेवा करने लगेगा, समझ लो उसी दिन जो है तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। दोस्तों, मन के प्रति अपनी भावना को व्यक्त करते हुए सद्गुरु आज के इंसानों के शौक के बारे में भी तल्ख टिप्पणी करते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि किसी भी इंसान की पहचान उसके सौंदर्य रूप से नहीं, बल्कि उसके अपने कर्म चरित्र और समाज के प्रति उसकी नैतिकता से होती है। हम लोग जानते हैं कि नहीं, बहुत वस्त्रों से, कंघी और क्रीम से, आभूषणों से रूप सजाया जा सकता है, इसे रूप नहीं सजता है। रूप समझ सजता है तुम्हारा नैतिकता से, चाल चरित्र से, कर्मों से। कर्मन के फल देते हैं वह सदा निर्दोष हरी है, वह कर्म का फल से तुम्हारा रूप सजता है। अभी हम विद्यासागर जी का या कौन दादा कौन देव का हम रूप का वर्णन किया या कर्मों का वर्णन किया। इसलिए हम लोगों को हरदम सजग रहना चाहिए। बच्चे चलते चलते हम तुम लोगों को आज यह सब बता रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं कि हम हर समय लेसन कहीं न कहीं ले सकते हैं। भाग की रेखा
जिसे भाग्य रेखा हम लोग देखते हैं हाथ में, जो रेखा जो है हमारा भाग्य नहीं खुल सकता है, वो हमारे श्रद्धा और समर्पण से भाग्य रेखा खुल जाता है। जब मैं गुरु में और गोविंद में ठीक ठीक समर्पण हो जाता है तो तुम्हारा भाग्य रेखाएं अपने आप बदलने लगती है। लाख ग्रह नक्षत्रों के चक्कर में रहो, आज तक ग्रह नक्षत्रों से किसी का बदला नहीं है। लोग कहते हैं कि मीरा नाच नाच कर परमात्मा को पा गई। नाचने से यदि परमात्मा को पा जाता, बहुत नर्तकियां नाचती है, कोई पाता है? अरे मीरा के प्रति श्रद्धा हुआ, परमात्मा के प्रति, गुरु और गोविंद के प्रति श्रद्धा हुआ, अटूट विश्वास हुआ कि उसके अंदर परमात्मा उतरने लगे। जब परमात्मा उतरने लगे तो मीरा नाचने लगी। तो दोस्तों, ये मन और उससे उत्पन्न शौक को लेकर सद्गुरु की कुछ बातें हैं जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाकर खुद को सफल बना सकते हैं। ऐसे ही सद्गुरु के सुखमय उपदेशों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।